हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय के 1 और 5 वचन में लिखा हुआ है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अशयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं मेरे प्रियों, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पौलुस ने साफ बताया है मेरे प्रिय भाई बहनों अपनी पुस्तक में, अंतिम दिनों में ऐसे से लोग हो जाएंगे। अंतिम दिनों में लोगों का रवैया ऐसा ही है। आज लोगों को सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है, बस उनको चंगाई मिल जाए और मेरा उद्धार हुआ हो या ना हुआ हो। गलातियों 5 अध्याय 19 और 21 वचन में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, स्त्रा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा मतवाला पर लीला की डा, और इनके जैसे और यानी अन्य और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूँ, जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। समझा कि नहीं समझा? पुलिस ने साफ बताया अपनी पुस्तक में, ऐसे ऐसे घिनौने काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। सिर्फ वही कौन लोग? जो पवित्र होंगे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते होंगे, आज्ञाओं को मानते होंगे, जो परमेश्वर के वचन पर चलते होंगे, सिर्फ वही लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे। आप हॉलीवुड की तरह, बॉलीवुड की तरह मत जियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया, उसके लिए लहू नहीं बहाया है। क्योंकि अब दोबारा परमेश्वर कचरा बटोर कर स्वर्ग नहीं ले जाएगा। ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मैं पाप भी करूंगा और स्वर्ग भी चला जाऊंगा। नो, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है और वहां सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किया है यीशु ने देखा है, अपने पापों को मानो, यीशु के सामने अंगीकार करो, पश्चाताप करो, क्योंकि समय थोड़ा बचा हुआ है, समय कम है, दिन बुरे हैं। वरना अगर आप यहाँ रह गए तो आपको रोना भी नहीं आएगा। उसके लिए मैं पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, जैसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रकोप के यानी परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे उंडेले जाएंगे 7 वर्ष में इस पृथ्वी पर मेरे प्रिय भाई बहनों, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे सब विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। जब चौथा कटोरा उंडेला जाएगा इस सूरज पर, तो जो लोग यहाँ बच जाएंगे उनकी चमड़ियाँ जिंदा ही झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ जिंदा ही जलेंगी। परमेश्वर इस सूरज को एक आग का गोला बना के रख देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए समय है, समय रहते हुए यीशु मसीह के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, इतनी दर्दनाक सजा देगा परमेश्वर नहीं सह पाओगे। यहाँ भी चैन नहीं, और मरने के बाद सीधा उसको डायरेक्ट परमेश्वर न्याय करके सीधा उसको नर्क में डाल देगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। बहुत तड़पाएगा ऐसे लोगों को परमेश्वर। इसलिए बताया जा रहा है यीशु मसीह पे विश्वास कर लो, पाप मत करो। आगे 18 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा है अपनी पुस्तक में, प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना होंगे हुए और ना कभी फिर होंगे। ऐसा भारी क्लेश काल होगा मसीह विरोधी के दिन में मेरे प्रियो, जब कलिसिया उठा ली जाएगी
जैसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 3 और 6 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुओं का लहू बन गया। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे इस पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। जब परमेश्वर अपने दूत को आज्ञा देगा कि तुम जाओ मेरे प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस नल से लोग पानी निकालते हैं उससे खून निकलेगा। जब चौथा कटोरा उंडेला जाएगा, नदियों और पानी के सोतों पर उंडेला जाएगा, तो क्या होगा बताता हूँ। 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा इस पृथ्वी पर, 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के। उस समय जिस हडपंप से पानी निकालते हैं उससे खून निकलेगा। तालाब में पानी लेने जाएंगे, वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा। नदियों में पानी लेने जाएंगे, वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा। झीलों में पानी लेने जाएंगे, वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा। लहू चारों तरफ परमेश्वर पानी की जगह लहू बना के रख देगा। प्यास के मारे आपकी जीव बैठेगी, इतना हाहाकार मचा होगा उस 7 वर्ष में। उस समय से धरती के ऊपर त्राहि त्राहि मची होगी, यीशु मसीह का कहर बरसेगा कहर। और पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य दक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू ही पिलाया है, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। आज मसीह विश्वासियों को सताया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, ऐसे करके बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग गलती से रह जाएंगे उनको परमेश्वर खून पिलाएगा मसीह विरोधी के दिन में। पाप करके वो विचार करके अपने प्राणों को नाश करना क्यों चाहते हो भाई। और उसके बाद अंतिम न्याय करेगा जब परमेश्वर स्वयं सिंहासन के सामने, मेरे प्रिय भाई बहनों। और जिस किसी का नाम वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा, उसे स्वर्गदूत खींच तान कर नर्क में फेंक देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बढ़ सकती हैं। परमेश्वर इसके बदले आपको मुकुट देगा, स्वर्ग का जीवन देगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।